अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, दिस इज़ गुलजारा एंड यू आर वाचिंग गुल्स कुकिंग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हमारे किचन में बहुत मज़े की चीज़ बन रही है। आज हमारे किचन में जो है वो फजी ब्राउनी बन रही है। फजी ब्राउनी जो है वो छोटे और बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और ये टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ हो सकती है, और बहुत सी चीज़ों में इवेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और चलते हैं अब रेसिपी की तरफ जी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 कप जो है वो मैदा यूज़ किया, और 2 कप मैदा यूज़ करने के बाद मैंने इसके अंदर 1/2 कप के करीब जो है वो कोको पाउडर ऐड करना है। और याद रखिएगा कि आप मेयरिंग कप जो है वो यूज़ करें जी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप के करीब जो है वो शुगर भी ऐड कर दिया, जो कि कैस्टर है, और इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना है। इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मैं छान लूँगी जी। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट लिया 100 ग्राम के करीब, और देगची लेके पानी गर्म करके मैंने इसे मेल्ट कर लिया, देखें। और अब ये मेल्ट हो चुकी है, तो मैं देगची हटा दूँगी, और इसके टेम्परेचर को मैंने सेट करना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो इसके अंदर मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जी। तो अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब मेल्टेड बटर इसके अंदर ऐड कर देना है, और बटर ऐड करने के बाद विस्क कर लूँगी। और फिर इसके अंदर मैंने 50 मिलीलीटर के करीब मिल्क जो है यूज़ करना है, रूम टेम्परेचर को होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए जी। तो अब मैंने इस तरह से करना है। अब मैंने 1 by 1 3 eggs इसके अंदर ऐड करते जाने, यानी विस्क करते जाने। 1 egg करूँगी, फिर विस्क, फिर 2nd करूँगी, फिर 3rd करूँगी, और विस्क करने के बाद फिर मैं इस तरह से करूँगी कि इसे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड कर देना है। ये देखें, एग्स अच्छी तरह से विस्क हो चुके हैं, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स लूँगी, और इसके अंदर जो ये वाला बैटर मैंने बनाया हुआ है ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर, इसे मैं ऐड कर दूँगी, और अच्छी तरह से फिर मैंने अगेन इसे विस्क कर देना है। मैंने हैंड विस्कर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, बीटर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि बात लोगों के पास बीटर नहीं होता घर पे अवेलेबल, तो आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, अब मैंने अच्छी तरह से इसे विस्क कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त समोसा हो गया, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इसका फ़्लो किस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा जो है ये फ़्लो इसका ज़्यादा नहीं है जी। तो यहाँ पे पायरेट डिश ली है, इसे मैंने ग्रीस कर लेना है। आप बटर पेपर भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि देखा मैंने 30 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए हाई फ्लेम पे रख दिया था, और प्री हीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पूरा मिक्सर मैं इसके अंदर डाल दूँगी डिश के अंदर, और इसे कम से कम 60 मिनट के लिए बेक करूँगी, और मीडियम टू लो की तरफ मैंने जाना है, यानी कि इतना मतलब मेरे जो चूल्हा है फ्लेम है उसका जो टेम्परेचर है इस तरह होना चाहिए कि मीडियम टू लो हो। अब मैं इसे जो है देगची के अंदर रख दूँगी, और देगची के अंदर मैंने रखने के बाद इस तरह से करना है कि इसके जो जो ढक्कन होगा उसे मैंने किचन टॉवल से कवर करने के बाद फिर मैंने इस देगची के ऊपर जो इसका लिड है वो रखना है, ताकि किसी किस्म की जो हीट है वो बाहर ना निकले जी। तो अब जो है वो 60 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए ब्राउनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसे मैंने पीसीस के अंदर देखे कट कर लिया। आप देख रहे हैं कि इसकी ये सरफेस जो है वो क्रैकी है, और अंदर से जो है वो मॉइस्ट है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ में शेयर भी कर दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारी और दुख से दूर रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आप मुझे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।